तो दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर हम क्वीन बिट के बारे में बात करेंगे। इस बार अगेन मेरे पास जो है ना 500 USDT हैं, देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपने अकाउंट को ओपन कर रखा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अपने एक और चैनल में कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं बनता, अगर मल्टीपल की कोशिश कर रहे हो तो आपको VPN लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। अब जैसे डिपॉजिट कर ले तो डिपॉजिट का तरीकाकार ये है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। एक बार फिर यहाँ से विदड्रा करेंगे, ये देखें मेरे पर $500 पड़े हैं। अब हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, ठीक है, मार्केट के ऑप्शन पे, सॉरी होम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गेम्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ब्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। 1 मिनट वाली भी है और 5 मिनट वाली भी है, लेकिन मैं आपको सिंपल सिंपल तरीकाकार बता देता हूँ। ये देखिए मेरे पास 500 USDT है, यहाँ पर हमारे पास 1 मिनट ब्लॉक्स है, बिग समाल आर्ड इवन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप लास्ट देख सकते हो और यहाँ से आप अपनी गेम ट्रेड को देख सकते हो। अब देखिए मैं आपको सिग्नल ग्रुप जो है ना वो दिखाता हूँ, ये क्वीनबिट, ठीक हो गया। क्वीनबिट को मैंने ओपन किया, ये देख सकते हो समाल का कहा है उन्होंने, समाल को सेलेक्ट करते हैं, $5 लगा देते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम कंफर्म करेंगे थोड़ा सा सर्चिंग लेगा, सर्चिंग लेने के बाद यहाँ से कंफर्म हो गया ऊपर इतने सेकेंड पड़े हैं, लेकिन हमने स्माल लगाया, स्माल हम रिजल्ट का वेट कर दें, रिजल्ट का क्या बनता है। ट्रेड एंड हो चुकी है और यहाँ से हमारा लॉस्ट हुआ है। अगर हम दोबारा जाएँ यहाँ से तो यहाँ पर हमें 2 मिलेगा, यानी स्माल 2 मिला है, ठीक है। अब देखें हम स्माल पर जाते हैं और $15 का डन कर देते हैं, यहाँ से $15 डन कर देते हैं, ठीक है। अब हम रिजल्ट का अगेन वेट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मेरा विन हो चुका है और $509.2 हो चुकी है। अब देखें मैं आप यहाँ पे आता हूँ, अजब सम काफ़ी लोग हैं जिनको समझ नहीं आती सिग्नल कैसे लगाना है। अब देखें उन्होंने सिग्नल दिया है ना, ये देखें 1 मिनट वाला ब्लॉक्स, यानी ब्लॉक्स को सिलेक्ट करना है, भाई है स्माल, ठीक है। 1% का मतलब है कि पहला सिग्नल है, अगर पहला लॉस्ट हो जाता है वो दूसरा देंगे, मतलब आपके पास अगर $10 है तो 0.1 से स्टार्ट करें, ठीक है। या आप पहला सिग्नल लगाएं नहीं जब तक ये 2-3 लॉस्ट ना करवा दें, उसके बाद आप 0.1 या $1 से स्टार्ट कर दें। यानी अगर पहला भी लॉस्ट है, दूसरा भी लॉस्ट है, $3 सिग्नल तक लॉस्ट करवा देते हैं, आप थोड़ा सा माइंड सेट कर लें कि जब तक ये 3 लॉस्ट नहीं करवाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यानी 3 सिग्नल इन्होंने लॉस्ट करवाए, आप चौथे से इनके स्टार्ट हो जाए, ज़्यादा रकम लगा लें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी अगर आप पहले से स्टार्ट करना चाहते तो 0.1 लगे, दूसरा भी लॉस्ट करवा देते हैं, पहला भी लॉस्ट है दूसरा भी लॉस्ट है, तो मतलब है कि आप फिर क्या करें 0.3 लगा दें, इसी तरह आप बढ़ाते जाएँ। अब देखें हमारे पास ये देखें पहला लॉस्ट है, दूसरा लॉस्ट है, तीसरा भी लॉस्ट है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ये मतलब अकाउंट सा है समाल है, ठीक है समाल है, तो मैंने 5 लगा देता हूँ, ठीक है। ये 5 सेकंड पड़े हैं, इनका इशू नहीं होता, ठीक है, लेकिन इस टाइम्स के अंदर लगाना है। तो आई थिंक ये एंड हो चुका है। अब इन्होंने समाल कहा था, तो हम देखते हैं कि विन करवाया, जब ये भी लॉस्ट करवाया है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा लगा देता हूँ, ये भी लॉस्ट है, अब चौथा करवाएंगे, यानी मतलब पहला लॉस्ट, दूसरा लॉस्ट, तीसरा भी लॉस्ट, 3 सिग्नल इन्होंने लॉस्ट करवा दिए, अब चौथे पे आ चुके हैं। अगर आपके पास जिस तरह का फंड है, यानी आपने 0.1 लगाया, फिर 0.3, फिर 0.6, तो फिर आप $1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी आपका प्रॉफिट थोड़ा ही आएगा, आप मुकम्मल बोर्ड अकाउंट खाली भी हो सकता है। तो आप थोड़ा इंतज़ार किया करें कि 3 लॉस्ट करवाएंगे हम तब स्टार्ट करेंगे $1 से, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। अब इन्होंने क्या सिग्नल दिया है, बिग का दिया, ठीक है। तो हम बिग का लगाते हैं यहाँ से, इसको क्लियर करके $10 का, सॉरी ये हम $10 लगा देते हैं बिग पे, ठीक है। ये देखिए उन्होंने बिग का कहा है, तो हम बिग पे $10 लगा देते हैं। तो इसी तरह आपके पास जितनी अमाउंट आपके अकाउंट में होगी और आप थोड़ा सा वेट करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वेट करते हैं जी, रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम थोड़ा कर लेंगे। यहाँ पे अब संभाल आया, अब ये दोबारा भी लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। तो मतलब है कि ये अब इन्होंने ये पहला दूसरा तीसरा चौथा भी लॉस्ट करवा दिया। अब पाँचवें की जानब जाते हैं, पाँचवा देखते हैं। अब इन्होंने अगेन संभाल दिया है, ठीक है, मतलब है कि पांचवा सिग्नल संभाल का, संभाल को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने $20-25 सिलेक्ट कर लेते हैं जी, ये $25 का हमने सिलेक्ट कर लिया संभाल के ऑप्शन पे, ठीक है। अब हम वेट करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अब विन हो चुका है, ठीक है, $523 हो चुके हैं, देख सकते हो। अब ये देखिए अब कैसे करोगे, ये ब्लॉक्स पे आना है, ठीक है, ये गेम्स पे आना है या ब्लॉक्स पे आना है। ये 1 मिनट वाली ग्रुप है, वो सिग्नल भी आप ग्रुप सिग्नल भी मिल जाएगा, उसके बाद रेड ग्रीन है, रेड ग्रीन का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर विड्रॉ करते हैं। ऊपर आपको क्लिक करना है, वो भी आपको सिग्नल ग्रुप मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद अगेन आना है 5 मिनट वाली, रेड ग्रीन का जो सिग्नल है वो 5 मिनट का है, ठीक है, रेड ग्रीन का। फिर आपको रेड ग्रीन, ये रेड है, ये पर्पल है, ये ग्रीन है, यानी दो पे होता है, पर्पल इकट्ठा एक जो होता है वो नहीं आता। देखिए यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पे पर्पल जो होता है इनके साथ आता है, तो ये आप रेड ग्रीन में खेलोगे। अब हम क्या करते हैं जी, ये विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद USDT RC20 पे क्लिक किया,
यहाँ पे एड्रेस जो है हमने बिंड किया होता है वो भी आपने एड्रेस बिंड करना है। एड्रेस यहाँ पे देखें, इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट किया, ऑल अमाउंट सेलेक्ट की, विड्रा हमारा सक्सेस हो चुका है। अगेन वापस आते हैं, ये देखें, देखें पहला विड्रा 509, 514, 523, ठीक है। अब डिपॉजिट का तरीकाकार बताता हूँ, जब तक ये कंफर्म नहीं होता, डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन आएगी, इस पर क्लिक करना है और देन जो है आप यहाँ से इसको कॉपी कर लोगे। इसको कॉपी करने के बाद आप अपने जाओगे एक्सचेंज में, एक्सचेंज में जाने के बाद आप यहाँ से डिपॉजिट करोगे जितनी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो। मिनिमम इसमें $10 डिपॉजिट है जी, ठीक है, $10 इसमें मिनिमम डिपॉजिट है, तो आप अच्छी खासी इससे अर्निंग कर सकते हो। जब तक ये कन्फर्म नहीं होता हम वेट करते हैं। तो दोस्तों देखें, एटलीस्ट मुझे यहाँ से विड्रॉ भी रिसीव हो चुका है, ये देख सकते हो, ठीक है जी। ये मैं एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ, इस बार पर क्लिक करते तो 0.5 इसकी फ़ी होती है, ये देखें 0.5। तो यार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से अपना टाइम वेस्ट ना करें, मतलब है कि कोई और काम में इन्वेस्ट करके यहाँ से पैसा कमाए और यहाँ से अपना काम करें। एक ही रूम में बैठकर आप अच्छा खासा पेमेंट ले सकते हो। अब यहाँ से चेकआउट करें, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको रिवार्ड सिस्टम भी अच्छा है, ठीक है, ये देख सकते हो। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।